अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं दुआ मलिक। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अमेरिका में हूं और मेरी कुछ वीडियोस पे क्वेश्चंस आना शुरू हुए हैं, तो मैं आप लोगों को फर्स्ट कम फर्स्ट से सर्व करूंगी। पहला सवाल ये था व्यूवर का कि यहाँ पे घर आप किस तरह ले सकते हैं। अगर आप नए नए अमेरिका में आए हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप अकेले आए हैं तो आप लोग एक शेयरिंग पे कोई कमरा ले सकते हैं, कमरा ले सकते हैं। और कमरे का किराया होता है टेक्सिस में, जो कि कंपैरेटिवली सस्ता है। अगर आप न्यूयॉर्क या अगर आप शिकागो या एलए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा, कैलिफोर्निया में और इस तरह की जगहों पे। तो मैं तो ये कहूँगी, अगर कोई बंदा नया आता है तो टेक्सास में आए अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए। और अगर अकेला है वो बंदा तो वो 600 तक का अपना एक कमरा ले ले, जिसमें उसके लाउंड्री, उसकी बर्तन, उसका खाना पीना, वो सब कुछ यूज़ कर सकता है, ठीक है। और अगर आप अकेली खातून हैं या अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप पहले अपार्टमेंट में आएं, क्योंकि घर जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। मुझे बजाते खुद अकेले डर लगता है, घर में आते साथ मुझे डर लगा, तो मैंने पहले ही सोचा कि थोड़ा सा फेमिलियर हो जाती हूँ माहौल के साथ अपार्टमेंट्स में। और क्योंकि ज़ाहिर है आसपास बहुत सारे लोग होते हैं आपके, आपको चेहरे देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम तो रश वाली कंट्री से आए होते हैं ना। तो अपार्टमेंट्स में इंशाल्लाह 1-2 साल गुजार के फिर घर लेंगे, और अल्लाह करम करेगा तो फिर अपना ही घर लेंगे। अब मैं चल के आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स की क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। पहली चीज़ ये मैं आपको बता दूँ कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी अपार्टमेंट लेने के लिए। अगर आप अपने नाम पर लेना चाहते हैं तो आपको अपनी पे स्टब्स दिखानी होती हैं, यानी कि पाकिस्तान में जो आपको सैलरी मिलती रही है पिछले 3 महीने की या पिछले 6 महीने की। इसके अलावा आपको अपना जॉब लेटर चाहिए होता है, जो आपका बॉस है वो आपको एक लेटर बना के देगा कि भाई ये इतने इतने अरसे तक मेरे पास काम करती रही है, ये सारी चीज़ें। और आपका एक वैलिड वीज़ा, एक वैलिड आईडी, जो कि अगर आप विजिट पे आए हैं तो फिर वो आपकी पासपोर्ट होता है, आपका पासपोर्ट होता है। अपार्टमेंट्स में शुरू का वक्त अपना गुजारने का मेरा मकसद ये भी था कि मैं आप लोगों को के अपार्टमेंट में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि जिम, जैसे कि स्विमिंग पूल, जैसे कि हमारी जितनी भी वो होती है ना मेंटेनेंस, बार बार नल का ख़राब हो गया, अप्लाइंसेस सारे फ्री होते हैं इधर, अप्लाइंसेस ख़राब हो गए, डिश वॉशर ख़राब हो गया, या आपका चूल्हा ख़राब हो गया, या आपका ये सारी चीज़ें, तो वो आप एक इनकी वेबसाइट होती है, हर अपार्टमेंट की एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाते हैं, अपना आईडी पासवर्ड इन लोगों ने आपको बना के दिया हुआ होता है, आप वहाँ पे कंप्लेन करते हैं और फिर जो इनका मेंटेनेंस का बंदा होता है वो आके फ्री में सारी चीज़ें फिक्स करके चला जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा खर्चा आपका बच जाता है, खर्चा बच जाता है। तो इसलिए शुरू का टाइम मैंने अपार्टमेंट में गुजारा। अब ये मेरे अपार्टमेंट की एंट्रेंस है, ज़रा दिखाइएगा। यहाँ से गाड़ी आती है अंदर, तो अंदर आने से पहले हमारे पास एक ऐप होती है, एक ऐप होती है, उस पर हम टक करके क्लिक करते हैं, गेट खुद ही ब्लूटूथ गेट होता है, ओपन हो जाता है। और फिर हम आपको आके दिखाते हैं लीजिंग ऑफिस, अगर अभी इस वक्त खुला हुआ हुआ, वरना मैं आपको पूल और जिम दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द लीजिंग ऑफिस दैट एवरी अपार्टमेंट हैव, एंड दीज गाइज आर रियली हेल्पफुल। आप यहाँ पर आके अपनी सारी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको अपने आपके अपार्टमेंट में आ रही हैं, और ये लोग फ़ौरन से उस चीज़ को ठीक करते हैं। इन्होंने जो है वो एक यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, मतलब बताया हुआ होता है कि भाई अपार्टमेंट्स के किचन्स वगैरह ऐसे हैं, और ये इन्होंने एक शो के लिए यहाँ पे पूरा किचन बनाया हुआ है, ज़्यादा दिखाएगा इस तरह। और काश हमारे घरों के भी चूल्हे इस तरह साफ होते। ठीक है, ये लीजिंग ऑफिस है, यहाँ पे आप बैठ के, बेस्ट बात ये है कि आप यू कैन डू योर मीटिंग्स इफ़ यू वांट टू कॉल समवन, इफ़ यू लिव इन एन अपार्टमेंट, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं और आप किसी को कॉल करना चाहते हैं मीटिंग के लिए, कुछ खाना पीना चाहते हैं, कोई कुछ गप्पे लड़ाना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अपने घर के अंदर बुलाएं। हर अपार्टमेंट में, मुझे नहीं पता हर अपार्टमेंट में या नहीं, मगर एटलीस्ट मेरे अपार्टमेंट में, ज़रा मेरे मुंह को छोड़ दें आप, चीज़ों की वीडियोस बनाएं। ठीक है, ये हमने, ऊपर से पकड़ेगा, बड़ी जिद कर देती है। खोलें, ये जगह दी हुई है मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए। यहाँ पे ख़वातीन सुबह आके अपनी मेडिटेशन करती हैं, योगा करती हैं, ये रिलैक्सेशन पॉइंट है। यहाँ पे लोग लेट के गप्पे लगाते हैं, मेरा दिल लेटने को दिल बहुत चाहता है, मगर मुझे पाकी ना पाकी की वो चीज़ आ जाती है जहन में, तो मैं नहीं कर पाती।
अच्छा वहाँ पे टेनिस कोर्ट भी है और वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा शुरू में बहुत परेशान होती थी, बहुत टेंस्ड होती थी, तो मैं इधर आके जान छुड़ा के बच्चों से और सहेल से बैठ जाती थी यहाँ पे। पहले जारा को पता नहीं था, आज जारा को भी पता चल गया। यहाँ पे मैं बैठ जाती थी, अपने गाने लगाती थी और उधर से गाड़ियों को गुजरता हुआ देखती थी। यहाँ पे बारबेक्यू का भी सारा सिस्टम दिया हुआ होता है इन जगहों पे, अपार्टमेंट्स में। यहाँ जो प्रॉपर अमेरिकन होते हैं, मतलब जो गोरे होते हैं, नेटिव्स होते हैं, नेटिव्स तो एक्चुअली अमेरिका के रेड इंडियंस होते हैं। टीवी भी लगा हुआ होता है। ये होता है जिम उन अपार्टमेंट्स में जिसमें जिम की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। मेरे अपार्टमेंट में ये फैसिलिटी भी है। उधर कोई साहब बॉक्सिंग कर रहे हैं, उस तरफ मैं जाऊंगी नहीं। सुबह सुबह अगर आप चाहती हैं, आप तैयार होके अपने जिम वाले कपड़े पहन के यहाँ पे आके जिमिंग भी कर सकती हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि बच्चों का साथ है मेरे, तो घर में ही बहुत जिमिंग हो जाती है। ये है लॉकर्स का रूम। अच्छा, सारी चीजों के कोड्स जो होते हैं, सारी चीजों के कोड्स जो होते हैं वो सिर्फ रेजिडेंट्स के पास होते हैं। यानी कि अमेजोन से जो चीजें आती हैं उनके भी जो कमरे में आने का कोड है वो भी सिर्फ रेजिडेंट के पास है। जिम का कोड भी रेजिडेंट के पास है, पूल का भी कोड रेजिडेंट के पास है। इसके अलावा सारी चीजें हमारी ऑनलाइन है। यानी कि अगर इन लोगों को कोई मैसेज भी फ्लैट्स वालों को भेजना होता है, अपार्टमेंट्स वालों को, तो वो आपको ईमेल कर देते हैं। ये यहाँ का स्विमिंग पूल है और यहाँ पे लोग आके बहुत ज़्यादा स्विमिंग करते हैं। ब्लूटूथ स्पीकर्स ले आते हैं, स्पीकर्स के साथ गाने सुन रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं। बच्चों को भी मैं एक दफ़ा यहाँ पे लेकर आई थी। मैं इस वक्त हूँ अपने अपार्टमेंट्स की पार्किंग में और बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे टेस्ला की जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स होती हैं उनके चार्जिंग सॉकेट्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो हमारे पास टेस्ला की 3 गाड़ियाँ एक वक्त में चार्ज हो सकती हैं और पार्किंग खुद मिला के टेस्ला की जो है वो 6 हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पोस्ट का सिस्टम अभी तक है, हालांकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है और गैजेट्स का दौर है और इंटरनेट का दौर है, मगर हर इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे सिर्फ आपके हाउस एड्रेस पे ही आएगी। हर अपार्टमेंट में ऐसा पोस्ट बॉक्स होता है और उसमें से आपके पास चाबी होती है, आप अपने बस निकाल लेते हैं। बिजली का ये नहीं है यहाँ पे कि भाई कई ऐसी है एक बस एक ही बिजली का, नहीं, बिजली का सिस्टम कनेक्ट होता है। आने से पहले आप अपनी मर्जी से सारे बिजली सप्लायर्स को फ़ोन करें, देखें कौन कौन से कितने के रेट दे रहे हैं। जो रेट आपको सबसे सस्ता लगता है आप बोलें कि भाई मेरे घर में बिजली ऑन कर दो, 2 सेकंड के अंदर वो सर्विस प्रोवाइडर 2 सेकंड्स के अंदर वो ऑन कर देता है। मतलब आपकी बिजली जो है वो वहाँ से कनेक्टेड हो जाती है उस सप्लायर से जिससे आप चाहते हैं। ठीक है, जहाँ से हम आए थे अभी पूल के पास से और जहाँ पे वो लीजिंग ऑफिस था वो एंट्री गेट था। एग्जिट गेट के बिल्कुल साथ मैं रहती हूँ, वो एग्जिट गेट है। अच्छा, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों का पार्क भी है जो आपको यहाँ पे मेरे घर से निकल के बिल्कुल सामने जो है, मतलब ऐसे मेरे घर से निकले और ये सामने बच्चों का पार्क है। मगर भाई वो मतलब अनलकीनेस ऐसी है कि आप भेज नहीं सकते बच्चों को खेलने के लिए, आपको खुद खड़ा होना पड़ता है। अच्छा, हर अपार्टमेंट में जो एक रिटायर्ड मेरा ख्याल है पुलिस वाले होते हैं या जो मतलब जॉब पुलिस की छोड़ चुके होते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, शायद रिटायर्ड पुलिस वाले जो होते हैं वो हर अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं उस अपार्टमेंट की केयर करने के लिए, मतलब हिफाजत करने के लिए। तो मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर, मेरे घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई होती है, तो वो देख के मैं खुद बड़ा डर रही होती हूँ कि अल्लाह मेरे मुंह के ऊपर पुलिस की पड़ी हुई है, मगर बस ऐसा ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये था मेरे अपार्टमेंट का टूर, बाहर से मैंने आपको कराया। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको दिखाऊं और बताऊं कि अपार्टमेंट में कितनी कितनी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप आ रहे हैं तो आप लोगों ने पूछा था कि आप लोगों के रहने का इंतज़ाम कैसा और कौन सा होना चाहिए, तो ये एक ऑप्शन था। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको घर का टूर करवाऊँगी और यहाँ के मॉडर्न हाउसेज दिखाऊँगी और बताऊँगी आपको कि इन अपार्टमेंट्स में और उन घरों में कितना फ़र्क है, कीमतों में भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी और टैक्सेस में भी और फ़ायदे और नुकसान आपने भी। तब तक के लिए मुझे दुआओं में आपने याद रखना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरा मुल्क से बाहर कदम रखना और मेरी हिजरत को मकबूल और कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।